नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नियोजित शिक्षक लगातार राज्यकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे थे। आपको मालूम है कि बीते दिन नियोजित शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर आती है। आपने देखा कि शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियमावली को बनाकर तैयार भी कर दिया है और अपने वेबसाइट पर इसे अपलोड भी कर दिया है। देखिए, इस नई शिक्षक नियमावली में साफ साफ लिखा गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें एक परीक्षा देनी होगी। देखिए, साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप ये परीक्षा देते हैं और सफल हो जाते हैं तो आप विशिष्ट शिक्षक भी कहलाएंगे। लेकिन आपने देखा कि इसमें ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि आपको, यानी कि नियोजित शिक्षकों को, तीन चांस मिलेगा और अगर वो तीनों बार असफल होते हैं तो फिर उसके बाद उनकी नौकरी भी चली जाएगी और वो सेवा मुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन आपने ये भी देखा कि इस तरह से शिक्षा विभाग ने अपनी नई शिक्षक नियमावली का पहला ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर आपके पास भी कोई सुझाव है, अगर आपको भी इससे कहीं पर भी थोड़ा सा भी एतराज है तो आप 7 दिनों के अंदर अपना सुझाव दे सकते हैं और अपनी आपत्ति को दर्ज भी करा सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का इतना कहना था कि आज हमने देखा कि हंगामा मचा हुआ है और अब नियोजित शिक्षक धनाधन उस पर मेल भी कर रहे हैं और सुबह से ही अपने सुझाव दे रहे हैं। देखिए, हमारे पास भी नियोजित शिक्षकों के कई सारे मेल आए हैं। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में अब तक नियोजित शिक्षकों ने मेल कर दिया है और अपनी आपत्ति भी दर्ज करा दी है। जो हमारे पास मेल आए हैं वो भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि आखिर नियोजित शिक्षकों को किस बात पर आपत्ति है। देखिए, ये मेल किया है प्रकाश कुमार ने। साफ साफ लिख रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में अंकित किसी भी वस्तु स्थिति से हम संतुष्ट नहीं हैं। आपके इस नियमावली से बिहार के शिक्षक मर्माहत हैं। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक बिना शर्त राज्यकर्मी एवं नियमित शिक्षक की मांग करते हैं। देखिए, ये दूसरा मेल आप देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में अंकित किसी भी बिंदु से हम सहमत नहीं हैं। बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी एवं नियमित शिक्षक बनाया जाए। देखिए, इसी तरह से ये तीसरा मेल भी आया है और उसमें भी कई सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना शर्त राज्यकर्मी बनाया जाए, पूर्व के बहाल सभी शिक्षकों का वेतमान में प्राप्त हो रहे वेतन को संरक्षित रखते हुए, इसमें महंगाई को ध्यान में रखते हुए सम्मानजनक वृद्धि भी की जाए। ये भी लिखा हुआ है कि विशेष शिक्षक नाम के बदले सहायक शिक्षक घोषित किया जाए। आपको बता दें कि इसी तरह से और भी कई सारे मेल हमारे पास आए हैं। देखिए, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि इस नियमावली में सुधार कर बिना शर्त राज्यकर्मी घोषित करें। 20 साल सेवा देने के पश्चात टेस्ट, ये मानसिक उत्पीड़न है। देखिए, इस मेल को भी देखिए, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में अंकित किसी भी बिंदु से हम संतुष्ट नहीं हैं। आपका ये नियमावली मात्र एक छलावा है और हम बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त, बिना कोई परीक्षा के राज्यकर्मी की मांग करते हैं। तो देखा आपने कि नियोजित शिक्षक जो हैं, लगातार जो वेबसाइट शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुई थी उस पर लगातार वो अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं, आपको याद होगा कि नियोजित शिक्षक लगातार एक ही मांग कर रहे थे और एक ही नारा दे रहे थे। साफ साफ कह रहे थे कि एकमात्र है मांग हमारी, सभी शिक्षकों को करो सरकारी। साफ साफ कह दिया है कि अब उन्हें कोई शर्त मंजूर नहीं,
नहीं है, बिना शर्त हमें, नियोजित शिक्षकों ने साफ कहा है कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, अब ये छलावा नहीं चलेगा। और आपको बता दें कि अच्छी खासी तादाद में हजारों नियोजित शिक्षकों ने अब तक मेल कर दिया है, यानी कि अब वो सोशल मीडिया के जरिए बड़ा अभियान चला रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।